इसराइल फिलिस्तीन के बीच जंग से पीएम नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं। उन्होंने गाजा के एक हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर दुख भी व्यक्त किया था। इसी के चलते भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजी है, जहां गाजा पट्टी में हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान आज लगभग 6.5 टन मेडिकल और 32 टन डिजास्टर रिलीफ सामग्री लेकर मिस्र के एल अरीस हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है। सामग्री में दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एक नरम रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले से हैरानी जताई थी और इसे आतंकवादी हमला करार दिया था। और अब भारत द्वारा भेजी गई ये मदद फिलिस्तीन के लोगों के लिए अमृत समान होगी।